पास में 1 2, यानी कि एक एक इंच मैंने अंदर कर दिया, ठीक है, 0.5 रखा था तो एक एक इंच ही अंदर हो चुका है। अब हाँ, इसको भी हमें करना है, तो सेम इसको भी 1 2 1 2। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसको राउंड बनाना है। एक काम और करना है, इसके थोड़े यहाँ गैप ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा सा, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा हल्का करना है, तो वापस से क्या करेंगे, कम कर लेंगे 0.25, यानी आधे का भी आधा, ठीक है, इधर से थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अब ये राउंड करना है, ठीक है, तो इसको राउंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब वही मैनुअल तरीका यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, ऐड एंकर पॉइंट से पहले तो एक यहाँ ऐड किया लाइक दिस। अब इसी के ठीक बराबर इधर भी ऐड करना है, तो गाइडलाइन लेते हैं और इसको सेलेक्ट कर लो पहले आउटलाइन को, तो यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं कितना गैप ले रहा हूँ, 0.3 है, तो 1 2 3 4 या 5 गैप यहाँ ले लिया, और इधर से भी फिर सेम हुई 1 2 3 4 5 ऐसे। अब यहाँ तो मेरे दो ऐड हो चुके हैं, ऐड एंकर पॉइंट से एक यहाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, अब इस गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, हाँ इसको डिलीट कर, ठीक है। अब इसको मैं कर दूँगा स्मूथ, कन्वर्ट एंकर पॉइंट, या इसको पहले हटा दो चाहो तो, डिलीट एंकर पॉइंट से डिलीट, लेकिन अभी डिलीट करने पे क्या हो जाएगा, वो कॉर्नर हो गया, ठीक है ना, ना हम ऐसा करते हैं, कॉर्नर करेंगे तो हमें फिर वापस से पॉइंट चाहिए होगा, आप वो मत करो, सीधा इसको, हाँ कॉर्नर को ही राउंड कर दो और फिर इसको इसके बराबर रख दो, मतलब विड्थ में इसके बराबर एंड यहाँ इसके बराबर, ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, बिल्कुल परफेक्शंस नहीं आया इसमें। अच्छा, एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, ये इसमें फिर रहेगा, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी, बिल्कुल फिनिशिंग लाने के लिए हम ऐसा करते हैं, मैं एक राउंड रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे इसके विड्थ के बराबर बना लो, तो यहाँ से ये लिया, ये इसको फॉरवर्ड, ठीक है, ये भूल लो कैसे, हम यहाँ से एक बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये बन गया, और इसको मैंने नीचे रखा। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ हमें राउंड करना है, तो मैंने इसी के बराबर जॉइंट भी कर सकते हैं, एक तरीका और बता रहा हूँ, मैंने अब एक रेक्टेंगल बनाया, इससे भी इसी तरीका एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे, ठीक है, और इन दोनों को क्या करूँगा, वेल्ड कर देंगे, विंडो पाथ फाइंडर वेल्ड, और भी शॉर्टकट और ईजी तरीका, ठीक है, अब यहाँ उसको जोड़ देंगे, वो भी ऐसे कर सकते थे, मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ करने के कई तरीके हैं, हाँ अभी हटाते हैं इसको थोड़ा सा नीचे ज़्यादा हो गया, तो इसकी हमारी विड्थ कितनी है चेक कर लो आप, मतलब हाइट, हाइट है 0.32 इंच, ठीक है, तो यहाँ पे गए लगभग सेम ही वैसे तो 0.32, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट किया, ठीक है, और यहाँ से भी मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके पॉइंट्स को, यहाँ पे होता है हमारे पास ये ब्रेक, ये कट, सॉरी कट, इससे क्या होगा, इसके पॉइंट अलग हो जाएंगे, ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करके कट, अभी लाइन अलग होगी, ठीक है, इस लाइन को मैं डिलीट कर दिया, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको इसके बिल्कुल लाइन करना है, तो ये सेलेक्ट किया प्लस इसको सेलेक्ट किया, उसको फिक्स करिए ताकि वो हिले नहीं, सब बता रखे हैं पहले शॉर्ट पहले वीडियोज़ में,
आप चेक कर सकते हो। तो लाइन पे गई एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर, यहाँ से सेलेक्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया बिल्कुल परफेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे ये, और इन दोनों कीज़ को सेलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन से दोनों की को क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट, एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे, ये रहा जॉइंट, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट किया, जॉइंट, तो ये हमारा बनेगा। आई समझ में? तो हाँ, बाकी सारे शेप्स भी ऐसे ही आपको बनाने होंगे, आई होप बन जाएंगे बाकी डिज़ाइन भी। अब इसमें हमें जैसे कोई कलर वगैरह, अच्छा ये तो ये भी बिल्कुल ईजी है, जैसे कि ये देख लेते हैं, चलो हाँ। तो मैंने क्या किया, ये हमारा लगभग इसका कितना है, आधा ये है हाँ, थोड़ा सा ओवरलैप भी हो रहा है ना। तो जैसे हमारा पूरा कितना 3 है ना, तो अगर मैं डेढ़ डेढ़ लूँगा तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, मतलब 3 है टोटल पूरे की हमारी, नहीं हाइट है, नहीं एक्चुअली हाइट है, हाइट 2.5 है, हाइट 2.5 है। तो हम ऐसा लेंगे 1.5 ले लेते हैं, आधा इंच ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल या ऑल्ट के साथ ही सिंपल यहाँ रख दिया, ये आ गया। अब इसकी हम हाइट ले लेंगे क्या, 2.5 ही है, लेकिन हम एक साइड का बना रहे हैं ना, तो एक साइड के अंदर सेंस की एक साइड ये बना रहे हैं, ऊपर वाला बना रहे हैं, तो ऊपर वाले का हम ले लेते हैं 1.5, ठीक है 1.5, क्योंकि पूरा 3 मतलब 2.5 से ऊपर रखना है ना इसको, हाइट हमने 2.5 ली है, 2.5 ली है, तो हम डेढ़ डेढ़ 3 ले लेते हैं पूरा, हाँ तो 1.5 ले लिया, ठीक है हाँ, इसको नीचे रख दिया। अब हमें वो बढ़ाने, अब क्या करना है, यहाँ से राउंड करना है, ठीक है। तो कितना 0.5 आधा ही तो हुआ, कितना होगा, कितना लगभग, ये देखिए ना सर, ये तीन मतलब हाँ, तीन इंच का है हाँ, 1.5 ज़्यादा नहीं होगा, एक में ये हम, इसकी हाइट कितनी है हमारी, इसकी भी 2.5 है ना, इसकी पूरे की 2.5, लेकिन एक चीज़ ये देखो ना, अभी तो हमने साइज अलग लिखा ना, एग्जैक्टली साइज तो लिया ही नहीं है हम, एग्जैक्टली साइज थोड़े ले रहे हैं, मैंने इसका एग्जामिन साइज नहीं लिया है ना, डाउट के लिए नहीं, वो नहीं किया, अब रिकॉर्ड स्टार्ट किया है, ठीक है। क्या करेंगे अब इसको, मैं इसको अभी ऊपर फिलहाल के लिए ऊपर रखता हूँ। इसकी हमें क्या किया है, अभी हमने जो इसकी हाइट ली है वो 2.5 ली है, ठीक है। तो इस वाले जब फोल्ड करेंगे तो इस चारों के साइड फोल्ड मिला करके उसकी हाइट अपने आप बढ़ जाएगी, तो टोटल मतलब हमें 3 से थोड़ा बड़ा रखना होगा, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे 3.1 या 3.2 ले सकते हो आप। तो इसकी जो हाइट है वो हम ले लेते हैं 3.2, ठीक है। अब वो बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा परफेक्ट ये, और इसको भी यहाँ लग गया, ठीक है हाँ, लेकिन इसमें आधे से थोड़ा सा, हाँ आधा ही है लगभग, ओके। अब यहाँ से हमें राउंड करना है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको हम 0.5 में मूव कर लेता हूँ, मेरा 0.5 ही सेट है या कम है, लेट्स सी, जनरल 0.25 है, ठीक है। तो 0.25 मैंने इसको अंदर रख लिया, ठीक है। अब इस एक को राउंड करना है, तो एक को तो हम वैसे ही राउंड कर सकते हैं, या थोड़ा और अंदर कर, पॉइंट को सेलेक्ट करके राउंड कर लो, या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, राउंड करने से ये फ़ायदा होता है कि वो फटते ही नहीं है कार्टन वगैरह, है ना, कॉर्नर नहीं रहते हैं, तो आप चाहो तो इसमें कर सकते हो सिंपली, या मैं अभी ऐसे रखता हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, कॉर्नर ही रखते हैं। फिर एक ये बनाना है, बना ही देते हैं छोड़ो। अब इसकी मैंने हाइट कितनी ली थी, हाँ 1.5 ली थी, तो सेम इसी ही कॉपी लेके वैसे ही कर देंगे, नहीं अलग है थोड़ा सा इससे, ऊपर वाला ही ले लो ना जो ऊपर बनाया, लेकिन इससे छोटा है ये, छोटा कर देना, या इसके बराबर कर सकते हैं यहाँ वाले के, नहीं तो भी वो वाला ले लो ना उससे ऊपर वाला, ठीक है ये हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ इसको हम
इसकी हमें जरूरत नहीं, इस वाले को हम कॉर्नर कर देंगे पहले तो, यहाँ से तो हमें राउंड चाहिए, ये ऊपर से राउंड चाहिए, ठीक है, थोड़ा पहले छोटा कर देते हैं, 1 2 ठीक है, और इस वाले को, ठीक है, और इस वाले को थोड़ा सा और अंदर कर। अभी हमें ध्यान रखना होगा हमने यहाँ से जितना अंदर किया है लेफ्ट साइड से, लाइक हमने 0.5 नहीं इंच में अगर हम देखें तो 2 इंच का गैप यहाँ है, 2 इंच का सेम रखना पड़ेगा गैप, इसका गैप और इसका गैप, ठीक है, 2 इंच का। तो मैंने कितना रखा, एक सेकेंड, ये सब हमें ध्यान से करना होगा, ये है यानी 0.5 नहीं 0.25 0.5 कितना हो गया, 1 इंच हो गया ना, एक सेकेंड हाँ 0.25 हो गया, फिर एक और ये, अभी 1 इंच का गैप हो गया, ठीक है, मैं एक बार फोर बोल 1 2 ये छूट रहा है, लगिन 1 2 3 4 कितना रखना होगा, अब 2 इंच का हो गया, 2 इंच का गैप है नहीं, लेकिन हमारा एक्चुअली क्या है, ये 4 के हिसाब से 2 इंच का गैप है, समझ रहे हो, ये 4 के हिसाब से है, तो हम इसको 0.5 ले लें, मतलब 0.1.5 ले लेंगे, तो इतना, ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम कॉर्नर कर देंगे, तो इन दोनों को सेलेक्ट, कॉर्नर, ठीक है, और इस वाले को एक सेकेंड सेलेक्ट नहीं हुआ, कॉर्नर कोई बात नहीं, इसको उठा के मैं डायरेक्टली यहाँ ले आता हूँ, इसके बराबर, ये हो गया, और डिलीट एंकर पॉइंट से डिलीट डिलीट, ये हो गया परफेक्ट, इसका स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा है, हाँ, तो इसको हम अंदर कर देंगे, ठीक है, अब ये ध्यान दे लो कितना अंदर करना है उसके हिसाब से, उस ये तो इसी की कॉपी लेके शायद हम कर देंगे, तो फिलहाल के लिए मैंने इतना, तो वहाँ पर हम कम कर लेते हैं या मैनुअली थोड़ा सा रैंडमली, बस ठीक है, ये हो गया, हाँ अब इसी की कॉपी लेके आप वहाँ रख दोगे और फ्लिप करना है, रोटेट में फ्लिप, तो रिफ्लेक्ट टूल में गए और क्लिक एंड ड्रैग, हाँ वो सेंकर पॉइंट वहीं रहेगा इस जगह पर, हो गया, अब इसी वाले की कॉपी लेके सेम यहाँ रख देंगे और इसको भी रिफ्लेक्ट सेम साइज का, हो गया, ये चीज़ बनानी है बस सर, ठीक है, तो इसी की कॉपी ली, कंट्रोल सी से बन गया, इसकी भी ज़रा हाइट चेक कर लेते हैं कितनी है, तो ये है, नहीं नहीं वो अंदाजे से ले लेंगे ना, बिल्कुल सही, 1 2 3 बीच में ये स्क्वायर बना के बीच में एंकर पॉइंट जोड़ के दिया है, 4 है, इसमें ना एक्चुअली दोनों 1 2 3 अच्छा ठीक है, 4 है, मतलब आधा इंच ही कम है इससे, ठीक है, आधा इंच ही कम है, तो हाँ नहीं हाइट हमारी कितनी है, 2.5 है ना, तो हम 2 लेंगे, ठीक है, हाइट हम 2 लेंगे, तो कॉपी मैं ले चुका हूँ, नहीं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको पहले छोटा कर लेते हैं 2, ठीक है, एंड इसको यहाँ रख दिया, परफेक्ट, अब ये मुझे लग रहा है ये गलत आ रहा है, ठीक, अब इसको कितना लेना है, 1 इंच 1 का ले लेते हैं, मतलब इसमें 0.8 ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, हाँ तो हमें यहाँ 0.8 पे करना है विद
0.8। ठीक है, मैं जिस बॉक्स लिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे वो कर सकें, इसमें पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकें। एक उधर भी ले लें तो हाँ, बाकी अगर मैं राउंड करके भी इसे मर्ज कर दूँ और ट्रिम कर दें, चलो वो तो बाद में कर लेंगे, पहले ये लिया और एक यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं एड एंग का पॉइंट से कर सकते हैं, नहीं मर्ज नहीं ना, इसको गैप चाहिए होगा, ये लिया। ठीक है, एक यहाँ यहाँ, ठीक है, इसको डिलीट कर दो और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से, लेकिन हमें इसके साथ साथ एक और ऐड करना होगा, या हम हाँ ट्रिम भी कर सकते हैं इसी के बराबर ना, रेक्टेंगल बनाते हैं। हाँ, बेटर हम राउंड रेक्टेंगल बनाते हैं। पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट नहीं दिखा, तो मैं क्या करता हूँ, गाइडलाइन ऐड कर लूँगा। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ भी, ठीक है, और फिर गाइडलाइन को डिलीट कर दूँ। दोनों को सेलेक्ट, माइनस फ्रंट, ठीक है, हाँ इधर का राउंड लेंस खराब हो गया ना, तो इसको ऐसा करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उल्टा हो गया, एक्चुअली यहाँ राउंड चाहिए, कोई बात नहीं, वैसे बेटर रेक्टेंगल ही बनाओ, फिर उधर का हमें ठीक नहीं करना पड़ेगा ना। क्या करो, ऐसे फिर राउंड इजीली हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपको कर ही लोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये हमारा फाइनली बन गया। अब इस पूरे को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके ग्रुप कंट्रोल जी, पेज के बिल्कुल सेंटर करना हो, अलाइन में आ जाएंगे और अलाइन टू आर्ट बोर्ड, हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर। तो ये बस, अब यहाँ पर आपको डिज़ाइन विज़ाइन टेक्स्ट वेक्स लगाना है, इमेज को क्या करना है, कट करके लगाना है। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ लग देता हूँ बेसिक चीज़ें, तो हमारे यहाँ टेराबाइट है, कलर देना पीछे बैकग्राउंड में, कलर दे दो। ये दोनों पे क्लिक कैसे हुआ, मतलब यहाँ भी क्लिप है, यहाँ भी क्लिप है, एक ही इमेज को दोनों में, एक ही इमेज को दोनों में रखना होगा ना, दोनों को सेम टाइम पे करना होगा, तो आधी इधर लगा के हो गया, हाँ करके दिखाता हूँ, देखो जाए आधी काट के करी होगी ना। अब यहाँ लोगो वगैरह लग जाएगा इसलिए, फिर ऐसे यहाँ लिख दो, सीपीयू कूलर फॉर इंटेल हो गया, इसका साइज हमने छोटा कर दिया। ठीक है, इसको इसको अलाइन करना है, तो दोनों को सेलेक्ट किया, अलाइन लेफ्ट, लेकिन अभी आर्ट बोर्ड है तो यहाँ से ले लेंगे सेलेक्शन एंड लेफ्ट, एक दूसरे के लेफ्ट हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ये सब यहाँ बना लोगे, इसका कलर कोई डिफरेंट दे देते हैं, ये दे दिया मैंने ऐसे, राइट। और अब यहाँ पे भी हमें सेम यही चीज़ लिखनी है सपोज़, तो मैं क्या करूँगा, इसको ठीक उठा के यहाँ रखा, ऐसे थोड़ा छोटा करना है, छोटा कर दिया, लेकिन इसको रिवर्स करना है क्योंकि फिल वो कैसे पढ़ने में आएगा, तो इसको क्या करना होगा, रिफ्लेक्ट टूल लेना है, ऊपर से नीचे ड्राइव, ठीक है, और सीपीयू को इधर भी, हाँ फिर एक ऐसे लाओ, नहीं ये हुआ नहीं, अब हो गया, इसका ऐसा करो सेंटर पॉइंट चाहो तो सेंटर में रख लो, ठीक है, सेंटर पॉइंट इसका भी जो है, हाँ हाँ एक सेकेंड अभी बताया,
सेंटर पॉइंट को इधर रखते हैं और क्लिक एंड ड्रैग हो गया। अब सीख लिए ऐसे करना होगा आपको सारे। अब इन दोनों को चाहो तो लेफ्ट अलाइन कर लो, तो यहाँ से इसको फिक्स कर दिया ताकि ये हिले नहीं, और यहाँ से राइट इधर इसके बिल्कुल आएगा, ठीक है इस तरीके से आए समझ में। अब ठीक है, आप सपोज हमें कोई इमेज डालनी हो तो क्या करेंगे, दोनों में हमें कोई एक इमेज डालनी है तो इमेज ले लेते हैं। सो क्या करना है, पहले इमेज को प्लेस कर लेते हैं। सो डेस्कटॉप है हमारे पास, ठीक है, अब इसको हमें यहाँ दोनों में ऐसे लेके आनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको अभी पूरा मैंने ग्रुप कर रखा है, ठीक है, तो इसको अनग्रुप करते हैं और ये इन दोनों क्या करेंगे, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंपाउंड में, ठीक है, और इसको पीछे भेज दो, राइट क्लिक अरे सेंड टू बैक, और फिर इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, हाँ ऑब्जेक्ट शॉर्टकट की कंट्रोल 7 है, क्लिप मास्क। लेकिन होता क्या है, जब हम क्लिपिंग मास्क करते हैं बॉर्डर गायब हो जाता है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करो किसी पॉइंट को और फिर आउटलाइन कलर दे दो, फिर ऐसे इसको आ गया, हाँ आ गया क्या, वैसे ही लास्ट में आउटलाइन कलर हटा देंगे, आउटलाइन कलर तो है ही नहीं कहीं पे, क्या जी कहाँ आ रहा था, नहीं आ रहा था, आया इमेज एक में दोनों इमेज आ गया, ठीक है ना, कंपाउंड करना पड़ेगा। हाँ अब इसको प्रिंट करके उसके हिसाब से कटिंग हो जाएगी और फिर बॉक्स बन गया, अपने अपना प्रोडक्ट बनाओ और सेल करो। ओके सो